हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम जो कि 12 जनवरी को था, बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ। अब बात आ रही है कि हमने जो एग्ज़ाम में किए थे, अब उसके आंसर की। तो देखिए, अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आंसर्स वही माने जाएंगे जो ऑफिशियली होगा, लेकिन सिर्फ ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दो या तीन ही थे। उसके बाद सारे एक्यूरेट आंसर्स आपको इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, आपको सॉल्व करके भी बताया जाएगा जहां ज़रूरत होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप अपने आंसर की से मैच करिएगा जो आपने लगाए थे, आपके कितने बन रहे हैं, आप उसको कमेंट भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। इसमें वो सभी पूरा 200 का 200 प्रश्न के मैंने सारे आंसर की दिए हैं। दो तीन क्वेश्चंस का हो सकता है आयोग की तरफ से कुछ अलग आंसर हो, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की गई कि आपको एकदम शुद्धतम आंसर देने की कोशिश की जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो सेशन की। तो ये सेट बी है और इसकी पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे हाईकोर्ट टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। तो सबसे पहला जो इसका खंड था ये सेट बी में, वो था हिंदी से। तो मैं आंसर बताता जाऊँगा, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर आपको सॉल्व भी करा दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है घड़ों पानी पड़ना। तो घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है शर्मिंदा करना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दूसरा है चिरायु, और चिरायु में उपसर्ग पूछा था, उपसर्ग इसका चिर होगा। तीसरा है रहमन पानी राखिए बिन पानी। देखिए, पानी यहाँ पे भी आया है, पानी यहाँ पे भी है, पानी यहाँ पे है, लेकिन पानी एक शब्द कई बार रिपीट भले हुआ है और सबका अर्थ अलग अलग है, तो ऐसा जो अलंकार होता है वो श्लेष में आता है। अगला वर्ड है ज्येष्ठ का तद्भव। तो ये ज्येष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, जेठ होगा। ओके, और फिर इधर देख लेते हैं पांचवे में क्या है कि दिया हुआ है अनिवार्य का विपरीतार्थक बताना था, तो वो वैकल्पिक होगा। और सही वर्तनी का चुनाव करेंगे तो छठे का सी ऑप्शन कर्तव्य निष्ठा, ये एकदम सही है, बाकी सब तीनों गलत है। जो सब कुछ जानता हो ये सर्वज्ञ है, बहुत ही आसान था हिंदी का पेपर। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, फूल जो है वो जातिवाचक है, अगर नाम दे देता कमल, कमल का फूल, गुलाब का, तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक, तो ये फूल एक जातिवाचक है। इसमें तीन समान लिंग के हैं। देखिए, कविता, मिठाई और प्यास, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग है, और पुल्ली जो है पहाड़ क्या है, वो पुल्लिंग है, तो जो अर्ध विपरीत है उसमें ही टिक करना था, तो पहाड़ इसका सही आंसर होगा। दसवां, अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर सबका लगभग सही हुआ होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कठोर अनुशासन का पालन करना सीखे और जिससे उनमें संस्कार और सद्वृत्तियां पोषित हों। अगला जो है इसमें दिया हुआ है कि अकर्मक क्रिया को चुनिए। तो अकर्मक क्रिया उसको बोलते हैं जिसके लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ता इंग्लिश में अगर देखें तो। लाफ एक अकर्मक होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, तो हंसना है, हंसना, और उसमें हमें आगे कर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसको कैसे सीखा जाता है तो आपको मैं बता देता हूँ। किसी भी शब्द को पढ़िए, उसके आगे क्या लगाइए, और अगर कुछ आंसर मिल रहा है तो मतलब वो अकर्मक क्रिया नहीं है, और अगर कुछ आंसर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे दिखाना, क्या पिक्चर दिखाना, फूल दिखाना, तो ये अकर्मक नहीं है, कर्मक क्रिया है। उसी तरह से खुजलाना, क्या, त्वचा, बाल, ठीक है। हटाना, कुछ भी सामने रखा है उसको हटाना। हंसना, क्या हंसना, ऐसा हो नहीं सकता ना, तो क्या, ये ही है अकर्मक। अगला है पुल्लिंग, शब्दों की श्रेणी में नहीं आता, तो गुस्सा पुल्लिंग है, बचपन पुल्लिंग है, संतान हीरा पुल्लिंग है, लेकिन संतान मेरी संतान होता है, यानी ये स्त्रीलिंग है संतान। अगला वर्ड है उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा, उच्चारण। नील कमल शब्द का समास जो है वो कर्मधारय समास है, क्योंकि कर्मधारय उसे कहते हैं जो पहला वर्ड जो होता है वो होता है विशेषण, तो नील कमल कमल की विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय हो गया। अगला है इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में जो करेक्ट जो मीनिंग होती है वो सिलहट है, होती है SILHOUETEE, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसमें मेजर का रिकॉग्निशन बता रहा है, ही वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज डैश ड्यूरिंग द बैटल। तो यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर युद्ध स्थल में उसकी बहादुरी के कारण मेजर की रैंक उसको मिली है, ठीक है। तो इसमें से टिमिडिटी, विम्पीनेस और कावर्डाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब कायरता से संबंधित है, तो इसका सही आंसर वेलोर था।
अगर आपको नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर दे सकते थे। अगला वर्ड है डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फिर अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस में चेंज करना था। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, तो इसका सही आंसर होगा सी, आई रिमेंबर बींग टेकन टू द थिएटर बाई माई फादर। अगला वर्ड है नैकर्ड। नैकर्ड वेरी कॉमन वर्ड। नैकर्ड का मतलब होता है टायर्ड। आप सेंटेंस को भी पढ़ के समझ सकते थे, आई एम टू टायर्ड, आई एम टू नैकर्ड टू गो आउट दिस इवनिंग, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता, तो टायर्ड होगा इसका सही आंसर। अगला है जो दिया हुआ था वो ये इंग्लिश का एक ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत कम लोग कर पाए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इसके लिए आपको इंग्लिश लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए थी तभी आप इस चीज़ को कर सकते थे। तो ये आंसर मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे, अभी तक जो था वो हो सकता है कर लें, इसमें भी कुछ लोगों की गलती हो सकती थी 15 में, तो इस हिसाब से भी हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे बाद में। पहले आप एक बार मैच करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नंबर आप मुझे बताना। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो वीन्स और एडोनिस, वीनस और एडोनिस उनकी पोएम है, उसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है वो है अ कंप्लेंट, बहुत ही फेमस पोएम है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अगला है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड निकालना था, तो ये होता है स्किजोफ्रेनिया। ये जो करेक्ट वर्ड है स्किजोफ्रेनिया होता है PHRE, और देखिए इसमें कहीं पे भी यहाँ वाले में दिया हुआ है तो यहाँ पे स्काइजो कर दिया है, तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है इस पैसेज में चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, आर यू कमिंग और इज यू स्टेइंग एट होम। देखिए आर यू कमिंग, यहाँ पे यू के साथ आर लगा हुआ ये तो सही है, लेकिन यहाँ इज कैसे लिख दे सकता है यू के साथ, यू के साथ हमेशा प्लूरल आता है, तो यहीं पे गलती थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, इसी में एरर है। फिर अगला है इसमें इसमें भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो देखिए यहाँ पे जो इलिसिट लिखा हुआ है ना, ये इलिसिट जो होता है वो इलिसिट, ये इस मीनिंग का मत, ये जो अर्थ है इसका गलत है। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी चीजें, ठीक है, ये ILLI एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था ELICIT, और इसका मतलब होता है जो डॉक्टर बेसिकली किसी चीज का अध्ययन करते हैं उसको इलिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहले लाइन से ही क्लियर हो गया, आई ट्राई टू गेट द सर्जन, अब भाई सर्जन के पास जाएंगे तो डॉक्टरी वाला वर्ड यूज करेंगे ना, इलिसिट लिखेंगे ना, ना कि इलिसिट लिखेंगे, तो यहाँ पर ELICIT होता तो सही होता, यानी एरर इसी में था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला वर्ड है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमेसिएटेड, तो ये बहुत ही कॉमन है, SSC में 50 बार पूछ चुका है, तो लेकिन यहाँ पर दो में मैं कंफ्यूज आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हो सकता है ये क्वेश्चन रिजेक्ट करना पड़े इनको, क्योंकि देखिए इमेसिएटेड का मतलब होता है वीक, कमजोर, ठीक है, तो हैगार्ड का मतलब भी वीक होता है और लीन मतलब भी वीक पतला, अगर आप इसको देखेंगे ना थिजोरस डिक्शनरी में आप देखेंगे तो दोनों ही इसके सिनोनिम है, तो इसमें हो सकता है कि आयोग इसका आंसर इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दे, लेकिन जो अगर परसेंटेज में बात करूं, रैंक वाइज बात करूं, तो हैगार्ड इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 25वें में दिया हुआ था कि क्या लगाना है, तो वोसीफोरस का मतलब होता है नॉइजी, तो इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है जो बहुत ही जिद्दी हो, स्टबर्न उसको बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी उसको बोलते हैं इंट्रांसिजेंट। फिर दिया हुआ था सिंपल पास्ट में इसको बदलना था, तो विनय हियर्स अ स्ट्रेंज नॉइस इन द नाइट, विनय ने बहुत ही एक अजीब सी नॉइस सुनी रात में, तो फिर सुना लगा देना है, यानी हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस इन द नाइट, तो वेरी कॉमन। अगला है चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, तो फियर ऑफ क्लाउंस, जो फियर ऑफ क्लाउंस होता है, क्लाउंस का मतलब तो आपने जानते ही होंगे, क्लाउन आप जैसे आप खरीदने जाते हो बच्चों के लिए तो मुखौटा होता है ना, भूतों का मुखौटा होता है, तो उसी को क्लाउन कहते हैं, तो वो जोकर जोकर को भी, जोकर का जो मुखौटा होता है उसको भी क्लाउंस बोलते हैं, तो कई लोगों को उसे देख कर डर लगता है, तो ये बेसिकली बैटमैन, जिन्होंने मूवी देखी होगी उसको जोकर से डर लग गया होगा लेकिन उसकी एक्टिंग से प्यार आ गया होगा। खैर फियर ऑफ क्लाउंस जो होता है वो क्लास्ट्रोफोबिया होता है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, कॉलरोफोबिया सॉरी। अनु दो इल इक्विप्ड फॉर द प्रोजेक्ट हैड ट्राइड हर बेस्ट, तो यहाँ पर जो ये यहाँ पे भर सकते हैं, देखिए फॉर नहीं आ सकता, लास्ट नहीं आ सकता, इफ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब होता है नेवर द लेस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अनअसेलेबल का मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, मतलब इनविंसिबल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला दिया हुआ है कि ये इसमें दिखाना था कि इस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये ब्लैटेंट जो वर्ड दिया हुआ ये करेक्टली है, परसम्प्टुअस होता है TUOUS होता है, ये गलत हो गया, क्यूम्युलेटिव में LLL ये यहाँ पे प्रॉब्लम दे दिया, यहाँ पे बेनेवोलेंट में BNE होता है,
तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब यहाँ पर एंशियंट फाउंटेन वॉज हिडन, हिडन किसके बीच में था, ट्री के बीच में था, ट्री से घिरा हुआ, तो एमंग ही होगा, फ्रॉम नहीं हो सकता, फॉलो नहीं हो सकता, ड्यूरिंग नहीं हो सकता। अब इसको ये टफ नहीं है, ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, इतना आसान है ये इंग्लिश का अगर देखा जाए तो, अगर लॉजिकली आदमी सॉल्व कर रहा है तो। तो मिस्टर माथुर सेड आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, इसका इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में हमें बदलना था, तो मिस्टर माथुर सेड दैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये भी एवर बिलोंग टू माय फैमिली, तो यहाँ पे एवर ही इसका सही आंसर होगा, बाकी तीन किसी भी हाल में सेट नहीं हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, कौन कौन से क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे दैन लगा हुआ है तो कंपेयर कंपेयर करने की बात आ रही है, और बर्ड्स चूंकि काउंटेबल है इसलिए फ्यूअर को हम लगाएंगे, मच अ लिटिल लीस्ट यहाँ नहीं लगेगा, काउंट कर सकते हैं इसलिए फ्यूअर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला है द कोल्ड वेदर हैज रियली डैश हर हेल्थ, क्या है अफेक्ट करना है? मतलब किसी चीज का प्रभावित कर देना, तो ये कोल्ड वेदर अफेक्ट करती है उसके स्वास्थ्य को। जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन का मतलब होता है एक प्रचलित चीज, प्रचलित ट्रेंड को ज्वाइन कर लेना, तो टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड उसको बोलते हैं बैंड वैगन। बैंड वैगन आपने देखा होगा, एक वाहन होता था उसमें बैंड लगे रहते थे, तो वो सब पॉपुलर ट्रेंड है, वो आज भी चलता है और हमेशा चलेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, तो इसका जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो होगा ऑप्शन नंबर बी सैक्रिलेजियस, तो ऑप्शन नंबर बी का सही होगा, बाकी तीनों गलत है। अगला दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे देखिए हॉटी जो लिख दिया, यहाँ HOT होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता है, तो हॉट इन विंटर और कोल्ड इन समर, तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे हॉट होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर तो वेरी इजी है, न्यू बॉर्न इज बॉर्न एवरी 5 मिनट्स, तो BORN, ये सारे आंसर लगभग सबने सही लगाए होंगे। अगला है सिनोनिम ऑफ द एक्सपीडियंसी, ठीक है, एक्सपेडियंसी, एक्सपेडियंसी का मतलब होता है कन्वीनियंस, तो ये यहाँ पे आप एज ले सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं लगाया होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखिए अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इजी है, नहीं आते हैं तो आपके लिए टफ है, तो एक जनरल सेंस में जो लगातार एग्जाम दे रहा होगा वो अगर वो इस पेपर को सॉल्व करेगा तो वो लगभग इस इन सभी को सॉल्व कर लेगा, सभी को नहीं कर पाएगा, मतलब काफ़ी हद तक इंग्लिश को सॉल्व कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ARO जो लास्ट ईयर हुआ था उसकी इंग्लिश बच्चों वाली थी, मैं फिर से कह रहा हूँ वो बच्चों वाली इंग्लिश थी, लेकिन ये जो पेपर हुआ है ये पेपर मैं कह सकता हूँ ये पेपर अच्छा है, ठीक है, इसकी इंग्लिश अच्छी थी, तो कट ऑफ डेफिनेटली कुछ कम होने वाला हो सकता है या फिर उतना ही रह जाए, क्योंकि अगर पेपर इन्होंने टफ किया है तो एक चीज़ और है इसका मायने है कि जो नंबर ऑफ सीट है वो भी कम है। खैर वो हम कट ऑफ पे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले ऑफिशियल आंसर की आ जाए और लोगों का ढेर सारा डेटा इकट्ठा हो जाए। अगला है द सेल्समैन वाज डैश ट्रैवलिंग अप एंड डाउन द कंट्री, तो यूज्ड टू ट्रैवलिंग मतलब उसकी आदत थी, ठीक है, तो सेल्समैन की आदत, तो यूज्ड टू लगाते हैं। यहाँ पे प्यूरिटैनिकल इसका पहला ही आंसर इसका सही होगा। अगला दिया हुआ हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला बात करते हैं द थीव्स मोर इक्विप्ड विथ, थीव्स के पास क्या चीजें थी भाई, डुप्लीकेट की थी, डुप्लीकेट्स नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये यानी डुप्लीकेट की उसके पास थी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईच लगा हुआ है, तो हमें वर्ब की वर्ब जो होगा वो सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो थ्री रोड यहाँ पे लीड दिया हुआ है, हमको यहाँ पे लीड्स करना चाहिए था, LED, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, यानी इसमें गलती कहाँ पे दी हुई है, ऑप्शन नंबर बी पे। आई कॉलिंग हर ऑफिस एट 4 o'clock yesterday, देखिए यहाँ पे हैड कॉल्ड होता तब वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो पास्ट में दिया हुआ है वो सिर्फ कॉल्ड दिया हुआ है, तो यानी हम ऑप्शन नंबर सी लगा के इसको सही करेंगे, यहाँ आई कॉलिंग तो गलत था ही। अगला है अ डीजल कार इज यूजुअली मोर इकोनॉमिकल देन अ पेट्रोल वन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बात करते हैं आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर क्या है, ये एक प्रिपोजिशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इधर हम बात कर लेते हैं, इधर क्या दिया हुआ है दे डैश इन होटल नेक्स्ट टू आवर्स, वो रुकते हैं हमारे जो बगल में होटल है उसके बगल में, तो दे वर स्टेइंग इन द होटल नेक्स्ट टू आवर, वो रुक रहे थे हमारे बगल के होटल में, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी तीन किसी भी हाल में नहीं सही हो सकते हैं। अगला अगला दिया हुआ है कि इसको एक्टिव पैसिव को एक्टिव पैसिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ये पैसिव वाइज में दिया हुआ वॉज पब्लिश जब भी इज एम आर वॉज वर्ब, यानी बी की फॉर्म के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पैसिव हो जाता है, तो यहाँ पर हमको इसको एक्टिव में चेंज करना था, तो हम क्या करेंगे पब्लिश्ड द बुक बैंकिंग डिलाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। टू किल द फैटेड काफ मतलब अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटर को हरा देना,
तो इसी को बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये नहीं हो सकता फैटेड का आपका मर्डर समबडी, बहुत कम लोग मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको लगा दोगे, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, ये बहुत सारे लोगों ने लगाया भी होगा। एंड वी डिसाइडेड प्लेइंग अप अनन्या केम ओवर बिकॉज हर वॉज हर्स वॉज टू यूज माई कार। तो भाई यहाँ पे शुरुआत किससे आप करना चाहोगे सेंटेंस का, एंड वी डिसाइडेड से आप शुरुआत कर नहीं सकते, प्लेइंग अप से कर नहीं सकते, बिकॉज हर वॉज से कर नहीं सकते, टू यूज माई कार से तो आप शुरुआत कर नहीं सकते। तो एक ही है, अनन्या केम ओवर से आपको शुरुआत करनी थी, बाकी आपको उसको सोचना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो पहले नंबर पोजीशन पे केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसका यही आंसर टिक कर देंगे और एकदम सही भी हो गई है। फिर दूसरा दिया हुआ है कंडेम, कंडेम का मतलब क्या होता है, जैसे कंडेम टू डेथ होता है मतलब वो सजा देना, तो सजा को हम क्या करेंगे माफ माफी देना, पार्डन का मतलब क्या होता है माफी मांगना, तो एंटोनिम इसका पार्डन होगा। अगला इसमें क्या दिया हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, इसमें क्या देखना है एरर ढूंढना है, तो एरर में अ फायर हैज ब्रोक आउट एट अ डिसयूज्ड होटल ऑन द सी फ्रंट। देखिए यहाँ पर डिसयूज्ड होटल, बहुत सारे लोग मेरे से जो जिसका ये पेपर है वो आया, तो उसने पूछा था, तो मैंने उसको बताया था यहाँ पे देखो डिसयूज्ड जो होटल होता है ना वो कह रहा था अनयूज्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। लेकिन देखो होटल जो होते हैं जो बहुत ज्यादा दिन से यूज नहीं हुए रहते हैं तो उसको डिसयूज्ड बोलते हैं, ये एकदम सही है। आप द हिंदू न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो कई बार आपको ये देखने को मिला होगा। यहाँ पर गलती है ऑन द सी फ्रंट पे, यहाँ पे एट द सी फ्रंट होता है और कई जगह ऑफ द सी फ्रंट भी होता है, लेकिन ऑन द सी फ्रंट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सटेसी, एक्सटेसी का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, तो एक्सटेसी का मतलब होता है डिलाइट यानी खुशी। तो मैंने इसको अपने वीडियो में कवर भी किया था, एक्सटेसी को हम इश्क से कनेक्ट करते हैं और इश्क का मतलब ही होता है डिलाइट यानी खुशी, तो डिलाइट इसका आंसर होगा। एगोनी, डिस्पेयर और टॉर्मेंट ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है, वो एक्सटेसी का मतलब नहीं हो सकते हैं। अगला वर्ड दिया हुआ है इंट्रीपिड, देखिए इंट्रीपिड का मतलब अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। कैसे दे सकते थे, देखिए आप टिमिड को पढ़ो, टिमिड का मतलब आपको पता है डरपोक होता है, और कॉवर्ड का मतलब भी डरपोक होता है, तो यानी ये टिमिड और कॉवर्ड जो डरपोक वाले सेंटेंसेस है वो नहीं होंगे, ऑब्वियस है, दो 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 तो देगा नहीं ऑप्शन में, तो यानी डरपोक वाला कोई चीज नहीं होगा, यानी उसका उल्टा दिया होगा, यानी इसका इस इंट्रिपिड का मतलब आप समझ सकते हो कि बहादुर से है, और इंट्रिपिड मतलब अगर बहादुर है तो बहादुर का मतलब वेलियंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप इस तरह से भी लगा सकते थे। अगर आपको आता है इंट्रिपिड तो आप डायरेक्ट वेलियंट लगा लोगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपका एक जनरल इंटेलिजेंस काम करना चाहिए और आपका जवाब सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, तो स्टिंजी है, स्टिंजी का मतलब कंजूस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है कि फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ बोथ नाउन एंड अ वर्ब, लेकिन नाउन की तरह भी यूज हो सके और वर्ब की तरह भी यूज सके, तो आप डिक्शनरी में आप देखोगे तो परमिट वो सेंटेंस है जिसमें आप एज अ नाउन भी यूज कर सकते हो, ही परमिटेड मी लाइसेंस, ठीक है, तो उसने मुझे लाइसेंस दिया, यहाँ पे मैं परमिट का यूज वर्ब की तरह कर रहा हूँ। लेकिन एक ये भी तो होता है कि हैव यू हैव एनी परमिट ऑफ योर व्हीकल, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्हीकल के परमिट की बात कर रहे हैं और व्हीकल के परमिट को हम एज अ नाउन ट्रीट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 100% सही होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस, तो यहाँ पे क्या हम भर सकते हैं, देखिए नेशंस क्या चीज है, नेशन मतलब राष्ट्र की क्या चीज ऐसी हो सकती है जिसके कारण एक आदमी जो है वो 3 कार ले सकता है या 2 कार ले सकता है, तो क्या गरीबी है नेशंस के, अगर नेशन गरीब होगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि फैमिली मैन 2 या 3 कार ले ले, नहीं हो सकता है। डर्थ क्या कमी हो सकती है, डर्थ का मतलब कमी होता है, क्राइसिस नहीं हो सकता, तो यानी नेशंस की ये राष्ट्र की समृद्धि है कि हर एक फैमिली के पास 2 से 3 कार है, तो यहाँ पे एफ्लुएंस होगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, फार फार क्राई फ्रॉम, ये एक बहुत ही लाजवाब सा इडियम है और इसका आंसर होगा वेरी डिफरेंट। फार क्राई फ्रॉम का जो इडियम है उसका मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए अक्यूज्ड ऑफ ये डायरेक्ट सेट हो जाएगा, अक्यूज 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 दिया हुआ है, अक्यूज्ड के साथ अक्सर 99% केसेस में ऑफ लगता है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली आप आंसर कर सकते थे, दे स्टैंड अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगला वर्ड है कॉमिटी, अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉमिटी, देखिए कॉमिटी का अपोजिट क्या आप लगाएंगे, तो इसका मतलब होता है हॉस्टिलिटी। देखिए कोर्टिसी का बेनेवोलेंस और एमिनिटी ये तीनों लगभग सेम है, ठीक है, तीनों का जो सेंस है वो सेम है, एक ही डिफरेंट था, डायरेक्ट आप आंसर करो, यही आंसर इसका सही भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिट द सैक, हिट द सैक ये एक बहुत ही अजीब सा है, ये तो मुझे भी डिक्शनरी में देखना पड़ा, तो इसका सही आंसर है टू गो टू बेड,
हिट द सैक का मतलब होता है, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू गो टू बेड। अब कंप्यूटर के प्रश्न पे हम आ गए हैं। एक देखिए इसमें लिखा हुआ है एन एक्सेल स्प्रेड सीट हेल्प्स इन। देखिए एक्सेल की जो स्प्रेड सीट है हम किसमें किसमें यूज करते हैं भाई, सॉर्टिंग करते हैं डेटा का, बिल्कुल करते हैं, अरेंजिंग भी करते हैं, कैलकुलेट भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव वॉल विच इज यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर। भाई एक कंप्यूटर आपने अगर चलाया होगा, आपने सुना होगा, तो फायर वॉल वो चीज होता है जिसको आप एक्टिव कंप्यूटर में होता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, तो इसीलिए फायर वॉल को हमेशा एक्टिवेट करके रखना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अलाउड डिस्प्ले बट प्रिवेंट्स द यूजर फ्रॉम मॉडिफाइंग और डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये कहने की कोशिश है कि कह रहा है कि आप देख सकते हो कंप्यूटर का वो कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा ऐसा गुण है जिसमें आप देख तो सकते हो लेकिन आप कुछ भी लिख नहीं सकते या फिर कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो ऐसे चीज को बोलते हैं रीड ओनली। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन पेमेंट मोड। तो NEFT आप जानते होंगे, NEFT वो एक ऑनलाइन पेमेंट मोड है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट मोड, उसमें तो पैसा आपके पास आ गया, आगे लेगा, कैश बिफोर डिलीवरी तो ये भी नहीं है, NEFT है, इसका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक टोपोलॉजी की बात कर रहा है जिसमें क्या होता है कि एक नोड से सभी एक सभी जो नोड है वो एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड हो, तो इसमें एक सेंट्रल हब होता है उसमें सभी जो कंप्यूटर्स हैं वो उससे कनेक्टेड होते हैं, तो ये कुछ ऐसा शेप बना लेता है, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में अगर आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो कंट्रोल एन दबाते हैं आप, वेरी इजी, तो डी ऑप्शन इसका होगा। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म बैकग्राउंड टू ऑल द स्लाइड्स, एक यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, अगर आप एक बैकग्राउंड चाहते हो कि मेरा KG एजुकेशन का लोगो सारी मैं जो स्लाइड बना रहा हूँ उसमें रहे, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं अपनी सारी स्लाइड्स में अप्लाई टू ऑल कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है कि क्या प्रिंटर नहीं है, तो लाइन प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है, लेजर प्रिंटर होता है, डेजी व्हील इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG, PNG का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG। तो कोई भी इमेज जो होता है वो डॉट PNG होता है या डॉट JPEG होता है, ये सब इमेज की क्वालिटी है, तो PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, क्योंकि इसी PNG इमेज को ही हम, जब आप ने कंप्यूटर पे यूज किया होगा तो उसमें हम किसी भी वेबसाइट डिजाइनिंग में हम png.png जो फॉर्मेट होता है उसकी इमेज को अपलोड करते हैं। अगला है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे XML का फुल फॉर्म होता है, तो एक्सटेंसिबल की जो स्पेलिंग होती है EXTENSIBLE होता है, तो उसको बोलते हैं XML। फिर इसमें दे रहा है कि भाई आप कोई भी चीज़ जो कह रहा है कि होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम और रिटेन इन मेमोरी। देखिए कुछ देर के लिए जब आप कुछ लगातार कोई काम करते रहते हो तो मेमोरी में अगर किसी चीज़ का आप ज़्यादा यूज़ करो इनपुट आउटपुट, तो वो एक बफर मेमोरी में उस चीज़ को रख लेता है ताकि चीज़ें जल्दी से कंप्यूटर एक्सेस कर सके, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर, उसी में आपके जो इनपुट आउटपुट डेटा है जो रिसेंटली पढ़े हुए होते हैं वो आपके उसमें सेव रहते हैं, और जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो तो वहाँ से कंप्यूटर बफर मेमोरी से वो चीज़ें हट जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, इन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शंस वर्ड्स आर फेस्ड इनटू द, तो ये सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शन वर्ड जो होता है ये माइक्रो प्रोग्राम कंप्यूटर यूनिट में ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि CPU और अदर डिवाइसेस विद इन द कंप्यूटर, तो ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन किस में रहता है, तो वो होता है कंट्रोल बस में। ठीक है, कंट्रोल बस इसका सही जवाब होगा। अगला दिया हुआ है कि OPC का फुल फॉर्म, OPC का फुल फॉर्म, तो ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। फिर उसमें दिया हुआ है अगला कि दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज द, क्या कहलाता है, तो देखिए कंप्यूटर पे एक सर्वर होता है, सर्वर जो रहता है, सर्वर कंप्यूटर उसको बोलते हैं बेसिकली, आपने शायद देखा हो, बड़ा सा होता है वो, थोड़ा सा उसका CPU जैसा ही होता है, बहुत बड़ा सा होता है, तो वो क्या करता है, वो रिसोर्सेज देता है, मतलब उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है आप अपने पे चला सकते हो, उस पर पेरिफेरल्स कुछ अलग डिवाइसेस हैं वो आप अपने पे चला सकते हो, उस पर डेटा रखें आप उसको एक्सेस कर सकते हो, डेटाबेस वहीं आपका पड़ा हुआ है, तो वो काम तो सर्वर करता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे दे रहा है कि यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है फेसबुक और फ्लिपकार्ट और अमेजोन। देखिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ही आप एक्सेस करते हो ना, तो आपकी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में कुकीज में स्टोर हो जाती है,
अब आप इस चीज को समझो, कुकीज में स्टोर हो जाती है, आपको मैं अभी बता इसका एक लाइव एग्जांपल भी देता हूँ। तो कुकीज में स्टोर जब हो जाती है, तो आप जब दोबारा से अमेजोन पे जाते हो ना, तो पहले से ही आपका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब सेव रहेगा। इवन यहाँ तक कि आपने कार्ट में अगर कुछ आपने मतलब शूज वूज देखे और उसको कार्ट में सेव कर लिया है ना, तो वो कुकीज में रहता है। और आप जब फेसबुक आप खोलते हो ना, और फेसबुक पे भी वो चीजें आपको दिखती हैं। फेसबुक खोलोगे तो आपने जो कार्ट पे दिखाया रहेगा वो एडवर्टीजमेंट वहां से एक्सेस करके वो देता रहता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कुकीज के फॉर्म में वेबसाइट पे सेव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इन पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन द कलेक्शन ऑफ द इमेज इन क्लिप आर्ट, तो भाई क्लिप आर्ट में जो कलेक्शन ऑफ इमेज होता है वो तो रेडी टू यूज होता ही है, उसको आप जब चाहो यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक लिखा हुआ है पार्सली रेडी फॉर यूसेज। तो यहाँ पे कई लोगों को लग रहा होगा कि हो सकता है ये सही हो, क्योंकि क्लिपआर्ट के आप 2010 और 16 और अबव में क्या हो रहा है कि जो क्लिपआर्ट है उसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो तो हम डाउनलोड करेंगे तभी यूज कर पाएंगे। तो लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ द इमेज, आपका कलेक्शन जो क्लिपआर्ट में वो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना, तो इसलिए इसका सही जवाब रेडी टू यूज ही होगा, पार्सली नहीं होगा। आपके सामने वो डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर ऑफ मोबाइल मनी, तो मोबाइल मनी MM से ही शुरुआत होनी थी, MMID, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन IMEI, तो IMEI में इक्विपमेंट होता है, ठीक है, IMEI में। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसको फुल फॉर्म होता है। व्हाट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, नॉट एन एडवांटेज। देखिए पहले हम एडवांटेज जान लेते हैं। तो भाई ये लोकेशन इंडिपेंडेंट बिजनेस, भाई इसके लिए किसी स्थान की जरूरत नहीं है, स्थान से स्वतंत्र बिजनेस है। आप कहीं पर घर बैठे, आप बाथरूम बैठे हो तो भी आप ऑर्डर कर सकते हो, तो भाई ये तो है इसका एडवांटेज है ये। कन्वीनियंट ग्लोबल सर्च, अमेरिका से भी आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, तो ये भी इसका एडवांटेज है। अनलिमिटेड बिजनेस आवर्स, कोई जरूरी है कि 10 से 5 तक ही आप ऑर्डर करो, नहीं, आप 24/7 आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सब सारी तो एडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये WC बनर्जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ये था USA, इसका सही जवाब होगा। अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग जो है वो 1853 में बंबई से ठाणे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया, तो ये हड़प नीति जो है बेसिकली झांसी की राज्य को हड़पने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इस वाले क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी से क्या जुड़ा हुआ नहीं है, किस चीज के लिए, जब दांडी मार्च हुआ था, तो दांडी मार्च में सविनय अवज्ञा आंदोलन था, बिल्कुल था। और ये नमक कानून की अवहेलना भी थी, पूर्ण स्वराज का देशव्यापी जन भागीदारी प्राप्त करना था, बिल्कुल सही बात है। विदेशी कपड़ा जो है वो दांडी मार्च से कनेक्टेड नहीं था, ये 1905 ये स्वदेशी असत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 89 का। फिर है उसके बाद है कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल के बीच विभाजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना गया, तो आपको पता है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। लाल बाल पाल, ये तो गर्म वाले थे, तो लाल नहीं हो सकते, बाल नहीं हो सकते, पाल नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही अभी रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पर हमला भी हुआ था, ये क्वेश्चन भी दे दिया है। तो ये जो उसकी स्थापना की थी ये सैयद अहमद खां पर थी। अगला बात करते हैं। भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया, तो ये सीधे प्रभावित हुए थे ये राजा राम मोहन राय। क्या इसके पीछे की कहानी आप जानिए कि राजा राम मोहन राय की अनुपस्थिति, ये अमेरिका गए हुए थे और इसी बीच इनके बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की डेथ हो जाती है और इनकी पत्नी को, उनकी बड़े भाई की पत्नी को भी जला दिया जाता है। इससे इनको बहुत आहत होता है और इस चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि सती प्रथा को अंत किया जाए। तो ये सती प्रथा का अंत कराने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था। किस सत्र में दादा भाई नरोजी ने स्वसरकार, देखिए 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसी में ये पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की गई थी कि भैया अब हमको स्वसरकार, अपने हमें हमें खुद की सरकार चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं माउंट बेटन की योजना के मुख्य बिंदु। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि देखिए इसमें चारों तो सही नहीं लग रहा है, ठीक है, चारों तो सही लग ही नहीं रहा है। तो ये मेरा जवाब है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये हो सकता है ऑफिशियली कुछ अलग आंसर इसका आ जाए, वही आप देख लेना, लेकिन मेरी तरफ से जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं।
पारंपरिक जो फुलकारी छपाई कढ़ाई शैली, जो फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा, तो ये जो फुलकारी कढ़ाई शैली है ये पंजाब राज्य की फेमस शैली है। फिर लोकगीत जो है वो एक रागनी जो लोकगीत है वो कहाँ का है, तो वो है हरियाणा का रागनी लोकगीत। फिर अगला दिया हुआ है कि भीतर उत्पादित सभी तैयार माल एवं सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को, भैया एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होता है वो प्रति इकाई आय पर उपभोग, यानी उपभोग आप ऊपर रखो, उपभोग ऊपर रखो और नीचे लिखो प्रति इकाई आय, तो प्रति इकाई आय पर उपभोग यही होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला दिया हुआ है सिल्क रूट के बारे में, तो देखिए सिल्क रूट के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, यहाँ पे लिखा हुआ केवल रेशम के व्यापार के लिए, देखिए सिल्क रूट पे अधिकतर जो था व्यापार वो सिल्क के लिए होता था, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन केवल, ये यहाँ पर मेरे हिसाब से गलत होगा, एक्सक्लूसिवली यूज नहीं होता था, इस पे और भी व्यापार होते थे, यहाँ से बहुत सारे और भी काम होते थे, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दो भी सही है, तीन भी सही है, चार भी सही है, तो मेरे हिसाब से इसका जवाब जो होगा वो सी होगा। अब ये देखने वाली बात होगी, इसमें भी मैं स्टार बना देता हूँ कि आयोग इसका आंसर क्या मानता है। देखिए ऐसे जो एक दो तीन चार सेलेक्ट करने वाला होता है इसको हमें आयोग के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, आयोग क्या मानता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे धार्मिक बहुत, ये तो अब मैं इसमें जो धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत रूढ़िवाद होते थे सूफीवादी, तो ये कहीं भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सूफीवादी में भी दो विचारधाराएं, एक धार्मिक दृष्टि उनकी अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण है, एक साम्यवादी भी है और एक जो है थोड़ी सी कट्टरपंथी भी है, तो लेकिन यहाँ पे चूंकि सूफीवाद दिया हुआ है तो वो धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत रूढ़िवादी नहीं होते थे, तो यानी दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखो दूसरा ऑप्शन इसमें था ये गलत हो गया, दूसरा इसमें था ये गलत हो गया, दूसरा इसमें ये था ये गलत हो गया, तो बचा कौन सा, बचा आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से भी एलिमिनेट करके आंसर लगाए जाते हैं। अगला है प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर ये अब जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। बिटवीन द वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो देखिए जब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात की जाती है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, लेकिन एक आम इंसान की बात करेंगे तो वो होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे बात करते हैं, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है, तो वो G20 का भाग है। भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन है, तो रक्षा बल जो होता है इसमें डिफेंस फोर्सेस होती है तीनों, तो वो जो है राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राजकोषीय घाटा क्या है, तो ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर की प्राप्तियां जो है व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं, तो भैया व्यय हम नहीं कर पाए, पूरा व्यय की पूर्ति नहीं हो पाई, व्यय हमारा ज्यादा हो गया, तो ऐसे में स्थिति में क्या होता है कि राजकोषीय घाटा होता है, बहुत ही कॉमन सा फिजिकल डेफिसिट इसको बोलते हैं। भूक्षरण में कौन से कारक योगदान है, तो भाई मानवीय जो गतिविधियां हैं निर्माण जैसी वो है, पशुओं का अतिचारण है, वर्षा है, हवा है, ये सभी जो है भूक्षरण में के कारक हैं। फिर दिया हुआ है कि इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, तो ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता किसमें, औद्योगिकी और पुष्पोत्पादन में, तो ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएं जो होती हैं वो बेसिकली बीज के टिश्यू कल्चर पे काम करता है वो, तो ये है। मधुमक्खी पालन भी बीजों से संबंधित है, क्योंकि मधुमक्खियों से खेती का में बहुत काम होता है, क्योंकि ये परागण और ये सब कार्य इनके द्वारा की होता है, और बीज खेत तो है ही है, इसका मछली से कोई लेना देना नहीं है, तो संधारणीय मत्स्य पालन की कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सरफेस मल्चिंग क्या है, तो सरफेस मल्चिंग क्या होता है, सरफेस पर एक विभिन्न प्रकार का लेप लगाकर उसको सुरक्षित किया जाता है, तो ये बेसिकली है क्या, ये संसाधन संरक्षण तकनीक है सरफेस मल्चिंग। अगला है सब्सिडी का उद्देश्य है, तो किसानों का लाभ बढ़ाना, निर्यात को बढ़ावा देना, अवसंरचनात्मक विकास तकनीकों को बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, तो ये सभी जो है ये सब्सिडी जो दी जाती है वो किसानों के लिए, सभी आंसर सही हो सकता है, लेकिन इसमें ये सी ऑप्शन मैंने इसलिए भी टिक किया है, क्या सब्सिडी क्या सच में किसानों के लाभ को बढ़ाने के लिए है क्या, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि सब्सिडी लाभ बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता है, सब्सिडी जो है किसानों को एक सपोर्ट करने के लिए हो सकता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों खरीद सकें और वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, तो सब्सिडी हमेशा नहीं दी जा सकती है, तो मे बी इसका आंसर, लेकिन जो आंसर होना चाहिए वो चौथा ही आंसर होना चाहिए। तीसरा मुझसे डिस्कशन मैंने लोगों से किया, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि ये वाला सी भी हो सकता है सर, तो देखते हैं, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ आयोग की आंसर शीट पर।
तो दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयोग पर छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे हुए जो 196 एंड अबव क्वेश्चन हैं उसमें आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करिएगा, अपने से ही उसको आंसर आप सही या गलत मत बना लेना। यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या है? तो यथा मूल्य कर का मतलब होता है एड वॉलरम टैक्स जिसको बोलते हैं, तो टैक्स इम्पोज ऑन द प्राइस चार्ज इन द मार्केट, जो आप जो प्रोडक्ट का प्राइस जो मार्केट प्राइस होता है उस पर जो टैक्स इम्पोज होता है उसको बोलते हैं एड वॉलरम टैक्स। आगे बढ़ते हैं, अम्लीयकरण और नाइट्रेट निक्षालन क्या है? तो ये जो अम्लीकरण और नाइट्रेट निक्षालन है ये बेसिकली मृदा में रसायन के रिसाव की प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इनमें से किस उपाय का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा? तो देखिए ये बहुत ही ऐसा है था कि लोगों ने बहुत गलत इसके जवाब लगाए, लेकिन इसका सही जवाब जुताई ही है। जुताई का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे तो आपको पहले ही दिख जाएगा, टिलेज इज बैड फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे एक ऊपर की सतह जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसी भी निर्धारित पंक्ति पद्धति के बिना एक ही समय पर दो या अधिक फसलें उगाने की विधि को, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिश्रित खेती लगाएं जो कि यहाँ पे गलत है। डायरेक्ट आप इंग्लिश में टाइप करो गूगल पर मेथड ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विदाउट एनी डेफिनेट पैटर्न से, तो डायरेक्ट आंसर इसका इंटरक्रॉपिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। आगे बात करते हैं, अगला दिया हुआ है, बहुत अधिक सिंचाई और खराब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो सभी प्रभाव, जल भराव होती है, मृदा लवणता भी होती है। मृदा लवणता क्यों होती है? देखिए पानी जब आप भर देते हो तो पानी में जो लवण की मात्रा, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सूर्य के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, लवण की मात्रा वहीं रह जाती है, तो मृदा लवणता तो इसका आंसर सही है। और फिर उसके बाद भू जल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने में रुकावट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी जब आ जाएगा तो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, सभी के सभी सही हैं, बहुत अधिक सिंचाई के हानिकारक प्रभाव है ये सब। दिया हुआ है कॉन्टूर कल्टिवेशन, कॉन्टूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, मिक्सड क्रॉपिंग एंड टिलेज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टर्मिनोलॉजी, तो ये सभी जो है किस टर्मिनोलॉजी से संबंधित है? तो भैया ये कृषि विज्ञान मृदा से संबंधित है, कीट से संबंधित नहीं है, वाटरशेड से नहीं है, संसाधन संरक्षण तकनीकें हो सकती हैं, यहाँ पे तकनीक नहीं है, ये तो एक नॉर्मल है, ये कृषि विज्ञान और जल संरक्षण या से संबंधित है, तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप से इनमें से किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए? तो ये जो आंसर होगा इसका, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, बस यहीं तक था जो दो चार क्वेश्चन थे जो जिसमें डाउट है और जिसके लिए आपको आयोग का वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। आगे फिर अब कुछ बचा ही नहीं है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इजी हैं, जो कि एकदम फिक्स आंसर्स होंगे उनके। घन और केचुए जैसे घुन और केचुआ को खाने वाले कई लोग डिकम्पोजर्स और घटक लगाते रहे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ ध्यान देने वाली बात थी, घुन और केचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीव को, तो ये अपशिष्टों, ये घुन और केचुए जैसे को खाने की बात हो रही है, तो वो होता है डेट्रीवोरस, उसका हिंदी में आप देखेंगे तो अपरद भोजी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉयल इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटी, तो ये जो पहाड़ों से नीचे बहकर आती है वो वाली जो सॉयल होती है वो होती है कॉल्यूवियम सॉयल उसको बोलते हैं, यानी मृणो मिश्रोणक मृदा, यानी इसका इंग्लिश वर्ड ज्यादा ईजी है, कॉल्यूवियम सॉयल एकदम सही आंसर होगा। बहुत सारे लोग इसका एल्यूवियम जलोढ़ मृदा लगाए हो, जो कि गलत है, इसका सही जवाब होगा कॉल्यूवियम सॉयल। 200 आंसर एक शॉट में रिकॉर्ड करना भी थका देने वाला होता है। खैर, भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सभी चरणों में सफलतापूर्वक गुजर चुका है और अब व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत एक ऐसे अंतिम चरण में पहुंच गया है जिसमें साधारणतया प्रजनन शक्ति में गिरावट आएगी, ये चौथा चरण है, एकदम सही आंसर सी होगा इसका। अगला, शहरीकरण की मानक विशेषताओं में शामिल नहीं है, तो उच्च गुणवत्ता की गारंटी जो है वो शहरीकरण की मानक विशेषताओं में शामिल नहीं है, भाई शहर में रहने वाले क्या उच्च गुणवत्ता के सभी होंगे, इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला, इसमें जो दिया हुआ है ये नकारात्मक सिंड्रोम बल गरीबी से प्रेरित है, तो वो क्या है? वो है निजीकरण, केवल निजीकरण ही हो सकता है जो कि गरीबी से प्रेरित हो सकता है। आगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, तो ये जो ये अब बैक्टीरिया और कवक क्या कहलाएंगे? ये अपघटक कहलाएंगे, यानी डीकम्पोजर्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कौन सी जनसंख्या के वृद्धि दर के कार्य हैं, तो जनसंख्या के वृद्धि दर जो होती है वो
प्रजनन मृत्यु दर और प्रवासन है, ठीक है, प्रजनन मृत्यु दर प्रवासन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चारण खाद्य श्रृंखला के अति सरलीकरण कॉन्सेप्ट में सर्पों को किस वर्गीकरण में रखा गया, तो ये प्रथम प्राथमिक मांसाहारी है सर्प, ठीक है, इसको प्राइमरी कार्निवोरस बोलते हैं, और जो शेर वगैरह वो सेकेंडरी है। भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर किया जा सकता है, तो ये क्या होगा शहरीकरण की विशेषताएं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, कम घनत्व के क्षेत्र कम वर्षा या कर्कश भूभाग को कठिन जलवायु परिस्थितियों के या इन कारकों के संयोजन से ग्रस्त होते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति है, तो भैया क्या आपको बताना है कर्कश भूभाग हो, कम वर्षा हो, कठिन जलवायु परिस्थिति हो, तो ऐसा ये तीनों नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सिक्किम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है, तो जो अपूर्ण दहन होता है ईंधन का उसी से भूरा कार्बन उत्सर्जन होता है। अगला है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद नहीं है, तो आपको पता है शुक्र का कोई चांद नहीं है, बुध और शुक्र के कोई भी चांद नहीं है, जीरो है। द सुंदरबन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में है। पड़ोसी देशों की संख्या सबसे अधिक जो है वो चाइना की है। बवंडर क्या है, तो ये है पावरफुल विर्लिंग विंड्स अकंपनीड बाई फनल शेप्ड क्लाउड्स, मतलब कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई जो हवा होती है उसको ही बवंडर कहते हैं। आप वेरी कॉमन आंसर है, आपने भी इसका सही जवाब लगाया होगा। इक्वाडोर और पेरू के तट पर कभी कभी ये समुद्री सतह जो गर्म होने लगती है वो अल नीनो इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल के दौरान दिन में उजाला बहुत लंबे समय तक रहता है, छोटा उपज मौसम और जल भराव केवल कम ऊंचाई तक रहने वाले पौधों को सहारा देते हैं, तुषार के क्षेत्र जहाँ की अवमृदा हमेशा जमी होती है, अवमृदा हमेशा जमी होती है, तो ऐसा ठंडा प्रदेश टुंड्रा, वेरी कॉमन टुंड्रा वनस्पति, इसका टुंड्रा क्लाइमेट इसका आंसर होगा। आर्किपेलिगो की बात हो रही है, आर्किपेलिगो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट इज लाइफ फेयरली क्लोज टू प्रॉक्सिमिटी, बहुत ज्यादा ज्यादा छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी दूरों पर बहुत सारे द्वीप जो है समुद्र में निकल आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, द्वीप समूह ही तो बोलते हैं आर्किपेलिगो, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, ये सभी क्या है, तो इसका सही आंसर भी होगा। उलुरू क्या है, उलुरू जो है वो एक मैसिव ब्लॉक ऑफ सैंड स्टोन है विच स्टैंड्स ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच स्थित है, उलुरू उसको बोलते हैं। कोपेन, ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना ये तीसरा वाला वार्म टेम्परेचर, ठीक है, वार्म टेम्परेचर नहीं होगा, अगर आप इतना सा कनेक्ट कर लो कि भाई कोपेनहेगन जो है वो बहुत ठंडी वाली जगह है, वार्म टेम्परेचर नहीं है वहां पे, तो तीसरा जहां जहां है वो आप काट दो, ठीक है, पहला दूसरा कट गया, ठीक है, पहला दूसरा कटने के बाद ए और बी में से कोई एक होना चाहिए था, ठीक है, ए और बी में से कोई एक होना चाहिए था, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल भी है, ड्राई भी है, और ये क्या कहते हैं तो आपका कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ पे देखिए कोल्ड क्लाइमेट दिया हुआ है, कोल्ड यहाँ पहले वाले में नहीं दिया हुआ, इस वाले में पांचवा भी कोल्ड क्लाइमेट भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ अगर 14 देखेंगे तो हाई लैंड भी दिया हुआ है, तो यानी ये ऑप्शन यानी छठा पे ये ऑप्शन पे पूरे सेट हो रहा है, एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हम इस तरह से लगा सकते हैं, तो ये भी एकदम सही जवाब है, ये एक थोड़ी सी इंटेलिजेंसी आप दिखा सकते थे तो आपका ये आंसर सही हो सकता था। अगला है, ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ब्राजील साउथ अमेरिका में। कौन सी पृथ्वी का निम्नतम स्थान है, तो पृथ्वी का जो निम्नतम स्थान है वो डेड सी है, मृत सागर जिसको बोलते हैं, ये सब पृथ्वी का सबसे निम्नतम स्थान है। आईएमएफ के प्रबंध संचालक के रूप में निम्नलिखित में से किसे निर्वाचित किया गया, तो आईएमएफ के जो प्रबंध संचालक है यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ है ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि किसके अंतर्गत 150 वृक्ष लगाने का अनुबंध किया गया है, तो ये गांधी शांति उद्यान के अंतर्गत किया गया है। श्रीलंका का जो सबसे लंबा टावर है वो लोटस टावर है। चौथा हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ था वो माले में हुआ था। और फिर इसके बाद तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया गया जाता है वो 30 जुलाई 2019 को मनाया गया था, तो जुलाई अगस्त सितंबर इन्हीं में से ही पूरे में करंट अफेयर्स दिया हुआ था। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यही क्वेश्चन कहने की बात की जा रही है, उसमें जो है फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया गया था, तो ये खेल दिवस जो राष्ट्रीय होता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ध्यानचंद्र जी का भी जन्म हुआ था। विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले अनन्य टीवी चैनल कलवी थोलाई काची जो ये टीवी चैनल है ये तमिलनाडु का टीवी चैनल है। आगे बात करते हैं, ह्यूमनाइड रोबोट का अंतरिक्ष में भेजा गया था, ये आप क्वेश्चन को कट कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन कट होने वाला है, क्योंकि इसका एक भी आंसर सही नहीं है। एफ सीरीज का वो स्काई बोट है जो कि लॉन्च किया गया था, तो इसका एक भी आंसर सही नहीं होने वाला है, ये कट कर लो आप।
ये जो है आयोग कैंसिल करने वाला क्वेश्चन। फिर दिया हुआ है सांख्यिकी दिवस जो 29 जून को मनाई गई थी, उसका जो मोटो था वो क्या था, सतत विकास लक्ष्य था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसका सही जवाब होगा। फिर निर्यात संगठन संघ फीओ के नए अध्यक्ष के रूप में शरद कुमार सराफ को चुना गया है। और फिर 24वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजित किया गया था, तो ये अबू धाबी में किया गया था। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहले स्थान पर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बीएसएफ के डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है वीके जौहरी। जौहरी का मतलब जौहर दिखाना, मतलब ताकत दिखाना, बीएसएफ में ताकत दिखाना, ठीक है। फिर अगला वर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप। ये देखिए रेत मूर्ति कला, ये सैंड आर्टिस्ट एक ही है जिनका आपको नाम याद है और यही पूरे जगह पे हर जगह चीज जीतते रहते हैं, तो वह है सुदर्शन पटनायक। अब इसमें बात कर लेते हैं, तो भैया तर्कस में जो है तीर रखी जाती है, तो म्यान में तलवार रखा जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में 49 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि इन दोनों के बीच में 46 का डिफरेंस है, 46 का टूजा किया गया तो 92। फिर उसके बाद 92 का जो 92 में मतलब 46 जोड़ेंगे तो 138 आएगा, 138 में 46, तो इस तरह से करेंगे तो आपको जो है 585 में 230 जोड़ना होगा और 815 इसका सही जवाब होगा। तो ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ये सब सॉल्व है, आंसर एकदम सही है। फिर उसके बाद इसकी बात की जा रही है तो दाएं और तीसरे स्थान से बाईं ओर का सातवां प्रतीक क्या होगा, तो ये चौथा होगा, इसका ऑप्शन चार होगा सही। प्रूडेंट में कैसे ऐसे सेट हैं जो उनके अक्षर मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच में वर्णक्रम में होते थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी दो ऐसे हैं, ठीक है। कौन कौन से, आर और एन में, देखिए आर और एन और डी और ई ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर दो है। इसमें कह रहा है कि कुछ चूहे खरगोश हैं, कुछ खरगोश मच्छर हैं, तो ऐसा इसका आंसर होगा ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो, नीदर वाला आंसर इसका सही होगा। इस वाले में क्या होगा कि हमें भाई दोनों की जरूरत पड़ेगी, सी वॉक्स फास्ट एंड सी लर्न फास्ट। इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो शी और फास्ट दोनों में कॉमन है, यानी हा और का, ही और का दोनों में कॉमन है, यानी अगर वॉक्स का आंसर हमको बताना है तो टू होगा इसका, और ये टू हम तभी बता पाएंगे जब हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल ये सब परफेक्ट आंसर है, सास इसका सही आंसर होगा, मदर इन लॉ इसका सही जवाब है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आएगा, और 162 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। ये सब बहुत ही कॉमन है इसलिए मैं यहाँ पे करना नहीं चाह रहा हूँ, रीजनिंग बहुत ही हल्की थी। इसमें कई लोगों ने गलती की है बी लगाकर, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए था कि देखिए जब पहला ये अंदर की तरफ लाइन खींची हुई है और दूसरे वाले में बाहर हो गई लाइन, उसी तरह से ये बाहर थी तो अंदर की तरफ लाइन वाली होनी चाहिए थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें वोकैबुलरी से कौन सा नहीं बना सकता, भाई केबल नहीं बना सकता, इसमें ई दिया हुआ है, इसमें ई कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर उसी तरह से दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के साथ शेयर नहीं कर सकता है, करता है, तो भाई पंजाब यहाँ दिया हुआ, पंजाब उत्तर प्रदेश से कनेक्ट नहीं है, पंजाब यहाँ पे भी दिया हुआ, तो ये दोनों डायरेक्ट कट गए, ऐसे ही किया जाता है एलिमिनेशन मेथड। और फिर वेस्ट बंगाल जो है हमारे उत्तर प्रदेश से कनेक्ट नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए बचा, आप लगा दो, या तो आपको याद है तो वैसे भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की कल्चरल कैपिटल क्या कहलाती है, तो भाई वाराणसी को हम कल्चरल कैपिटल बोलते हैं उत्तर प्रदेश का। और फिर उसमें दिया हुआ है कि जो ये राष्ट्रीय राज्य चिन्ह है वो सारनाथ से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। और फिर दिया हुआ है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। फिर दिया हुआ है कि ऑयल रिफाइनरी जो उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है, तो वो मथुरा में है। डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे गए इसमें। फिर उसमें दिया हुआ है कि मिलान करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर जो वाराणसी है, वाराणसी में हथकरघा और हस्तशिल्प बिल्कुल सही है, यानी ये तो सही है ही है। कानपुर में पीतल के बर्तन, यानी तीसरा तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, पहले और दूसरे में से लगाना है। मुरादाबाद में क्या होता है, मुरादाबाद में आपका पीतल के बर्तन के होते हैं और कानपुर में चमड़ा होता है, तो ये भी गलत है, तो यानी दूसरा और चौथा इसका सही था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर उसमें कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत, तो ये तो वेरी कॉमन, ये मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। फिर उसके बाद मिर्जापुर भदोही में तो कालीन उद्योग ही फेमस है। उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 403 निर्वाचित होकर आते हैं और एक जो है नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत यानी ये जो है पहले गवर्नर कौन थे उत्तर प्रदेश के, तो ये सरोजिनी नायडू हैं। यहाँ पे आप जब आप इसको सर्च भी कर लोगे तो इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली जो गवर्नर थी उत्तर प्रदेश के वो सरोजिनी नायडू ही है। और ये पे दिया हुआ है उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए गए हैं, तो भाई एक इलाहाबाद में उच्च न्यायालय मेन हेडक्वार्टर है और उसका जो न्यायपीठ है वो लखनऊ में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर डोलोमाइट से आपको कनेक्ट करना चाहिए था। देखो डोलोमाइट डोलोमाइट जो है वो बेसिकली मिर्जापुर में मिलता है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए दो ऑप्शंस एक साथ एक जैसे दे दिए हुए हैं, यानी ए भी ऑप्शन सेम है और बी डी भी ऑप्शन सेम है, तो हो सकता है ये कैंसिल करे, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि अगर सेम सही वाले आंसर दो बार छप जाते हैं तो उसको कैंसिल किया जाता है। अब गलत वाले अगर दो बार छप जाएंगे तो उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है? देखिए बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता ये तीन ऑप्शन, तो यानी ऑप्शन नंबर डी यानी दुधवा अमनगढ़ और पीलीभीत जो है ये उत्तर प्रदेश में है। इसमें एमकेएस को आपको पता ही किलोग्राम मीटर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एसआई जो मात्रक होता है वो एमकेएस होता है। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व, तो परमाणु भार के आधार पर यहाँ पूछा है, तो भार के आधार पर जो जो सबसे भारी तत्व है जो यूरेनियम होता है। औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है? भाई शरीर के ऊतक और द्रव्य से संबंधित है तो वो कौन सी है, वो पैथोलॉजी, पैथोलॉजी जाते हैं तभी तो आप अपना टिश्यू चेकअप करा लेते हैं, कभी कभी आप अपना ब्लड दे लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं तो ये सब भी पैथोलॉजी में ही तो होती हैं, तो पैथोलॉजी से संबंधित है। सतह और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको भाई, सरफेस को रफ करना होगा, इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस को खुरदरा बना दें तो आपका घर्षण बल बढ़ जाएगा। सरोता जो है वो श्रेणी दो का उत्तोलक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा फल जो होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में आलू में पाया जाता है, तो वो विटामिन सी होता है। फिर इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, एसिड ब्लू टू रेड, एसिड ब्लू टू रेड, बस इतना याद कर लो बस काम खत्म, यानी ए बी आर, तो यानी एसिड जो होगा वो नीला से लाल हो जाएगा, तो लिटमस लाल हो गया, अगर लिटमस लाल हो गया तो अम्लीय है विलयन है, लिटमस नीला हो गया तो क्षारीय, और कुछ नहीं बदला तो भाई उदासीन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। उत्प्रेरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही बात है, और अब ये अंत में स्वयं को बदल देते हैं, तो उत्प्रेरक ऐसा नहीं होता, उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है, प्रकाश उत्प्रेरक नहीं माना जाता, बिल्कुल सही बात है, तो यानी ये भी नहीं, इसको भी हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो अब हम आपको ये एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी पहला और चौथा सही है, ठीक है, और ये जो दूसरा है वो गलत है, तो दूसरा यहाँ पे है ये गलत हो गया, दूसरा यहाँ पे है ये गलत हो गया, अब पहला और तीसरा और पहला और चौथा, तो पहला और चौथा हमने एकदम जब सही कर लिया है तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये तीसरा जो है वो उत्प्रेरक सच में नहीं माना जा उत्प्रेरक नहीं माना जाता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्प्रेरक ना माना जाए प्रकाश को, प्रकाश को तो उत्प्रेरक माना जाता है ना, तो ये जो है गलत हो गया, क्योंकि कई जो है प्रकाश कई ऐसे एक होते हैं इक्वेशंस जिनको आप सनलाइट देते हैं तो वो इक्वेशन फास्ट चलने लगती है, ये सब थोड़ा इंटर का टॉपिक था तो आपने पढ़ा होगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो केचुए और जोंक ही इसमें ऐसे हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 186 यानी बी ऑप्शन सही होगा। फिर यहाँ पर मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि यहाँ पर ना सेरिब्रम देना चाहिए था, सोचने की क्षमता जो श्रवण विचार करने की क्षमता होती है वो हमारी सेरिब्रम देता है, और सेरिबेलम से तो हम बैलेंस बनाते हैं, तो यानी ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो सेरेब्रम यहाँ पर है दिया नहीं है, तो फिर आंसर क्या होगा, ब्रेन स्टेम होगा या थैलेमस होगा या कॉर्टेक्स, तो देखिए कॉर्टेक्स जो होता है वो उसी के अंदर सेरेब्रम छुपा होता है, ठीक है, सेरेब्रम कॉर्टेक्स के इनसाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हम इसका सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ब्रेन स्टेम भी हो सकता था, लेकिन जहां तक इसका आंसर सी होगा तो ये भी देखने वाला होगा कि आयोग इसका आंसर क्या देता है, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो होगा वो सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में तार, देखिए P इक्वल्स टू होता है वी आई, ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का एक वायर इधर है एक वायर इधर है, अगर आपने इधर क्या कह रहा है तार का घुमाव द्वितीयक कुंडलन में ज्यादा है, यानी इसमें अगर तार का घुमाव ज्यादा है तो द्वितीयक आउटपुट जो होगा ना उस पर वोल्टेज कम होगा और इसके परिणाम वोल्टेज कम और परिणाम स्वरूप धारा बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगा और धारा बढ़ेगी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जवाब होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई ड्राइवर है, ठीक है, स्काई ड्राइवर है और हाथ और पैर को फैला लेगा, तो उसके गिरने की चाल पर तुरंत क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सोचो कि अगर आपने स्काई स्काई डाइविंग की और आप अपना हाथ पैर फैला लो, ठीक है, और तो फिर क्या होगा कि आप क्या तेजी से नीचे गिरोगे, नहीं, आप अब थोड़ा सा स्लो हो जाओगे, यानी तो चाल तो आपकी धीमी होनी ही होनी है, तो पहले तो बढ़ने वाला काट लो, इसी तरह एलिमिनेट करके आप डायरेक्ट कट करके और चाल घटने वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी लगा लो, कुछ नहीं सोचना है आपको, ये डायरेक्टली आप आंसर इस तरह से सोच के दे सकते थे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान
द्रव्यमान से दुगना हो जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का बल दुगना होगा, और फिर दूसरा दिया हुआ है पृथ्वी से आधी दूरी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना होगा। तो जो होता है फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। मास बढ़ाओगे तो डबल, यानी यानी पहला ऑप्शन एलेक्स का कहना बिल्कुल सही है। और अगर गुरुत्व दूरी आधी कर दी जाए, दूरी आधी कर दी जाए यानी 2 आर कर दिया जाए, तो 2 दूनी 4 यानी 4 गुना बल बढ़ जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यानी ट्रेसी और एलेक्स दोनों ही सही है, क्योंकि जो अगर दूरी आधी कर दी जाए यानी 1/2 कर दी जाए, तो 1/2 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा यानी 2 दूनी 4 इधर आ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी एलेक्स और ट्रेसी दोनों सही है। आप इस इक्वेशन को लगा के सॉल्व कर लेना। अब मैं 200 में पहुंच रहा हूँ, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। खैर, कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो भाई बौद्ध धर्म भारतीय है, जैन धर्म भी भारतीय, हिंदू धर्म तो है ही, यहूदी धर्म इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उसके महान ग्रंथ डैस के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे, तो अर्थशास्त्र के कारण कौटिल्य बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये तुलुव राजवंश से संबंधित थे। इसमें क्या होगा कि पहले पूरा पाषाण काल आता है, फिर मध्य आता है, फिर नव आता है, और फिर हम लोग हड़प्पा पढ़ते हैं, तो अपनी हिस्ट्री की किताबें पढ़ के भी आप इसका आंसर सवाल दे सकते थे। फिर इसमें दिया हुआ है कि हुंडी क्या था? तो हुंडी बेसिकली ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर दिया हुआ है कि नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बहुत ही कॉमन सा, समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। फिर दिया हुआ है गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला था मोहम्मद गजनवी। देखिए, मुद्रों सिक्कों का अध्ययन जो डायरेक्टली दिया है वो है न्यूमिस्मेटिक्स, इसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी मुद्रा शास्त्र इसका सही आंसर होगा। फिर दिया हुआ है कि एज पर द पावर रूल एस्टेब्लिश्ड इन लेट 1700s द बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो रैयत गांव में राजस्व मांग जमा को बांटते थे, यही इसका आंसर जो है वो गलत होना चाहिए, तो यही इसका सही हो सकता है, लेकिन इसको भी मैं स्टार लगा देता हूँ, इसको भी आपको देखना होगा कि ऑफिशियल आंसर की में क्या हो सकता है। तो मैंने लगभग 200 के सही आंसर, अगर मैं बात करूं तो 196 वो आंसर है, वो क्वेश्चन है जिसके आंसर मैंने बिल्कुल सही दिए हुए हैं। 4 ऐसे हैं जो अंतर हो सकता है जिनका ऑफिशियली, और नहीं भी हो सकता है, तो ये आप ऑफिशियल आंसर की के बाद आप देख लेना, और अभी के हिसाब से आप मुझे बताओ कि आपके कितने मार्क्स बिल्कुल सही हो रहे हैं। ठीक है, आप अपने अगल बगल के जितने भी लोगों से आपने बात की है उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि बेसिकली कितने मार्क्स बन रहे हैं और कट ऑफ क्या हो सकती है, और साथ ही साथ आप ये भी बताना कि आपके कितने सिली मिस्टेक्स हुए हैं। देखिए, सिली मिस्टेक्स भी एक बहुत ही अलग सी चीज़ है, क्योंकि आदमी करता तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप आंसर की से मैच करते हैं तो फिर आपको समझ में आता है, अरे यार यहाँ पे तो मैंने गलत गलती कर दी थी। तो ये सिली मिस्टेक्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कट ऑफ के डिसाइड होने में। तो आप अपने मार्क्स को बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर देना, और इसी तरह से मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा, तो आप अपने मार्क्स जरूर करना जिससे मैं कट ऑफ को डिसाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।